हेलो एवरीवन गाइस, अभी रात का टाइम हो रहा है और मैं गाड़ी में क्या कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ आपको। शाम को मुझे पता चला कि मम्मी का फिर से वो तबीयत जो ख़राब हो गई थी, फिर से उनको वो चक्कर आ रहे थे, दोपहर से ही आ रहे थे पर घर वालों ने मुझे बताया नहीं। शाम को मुझे पता चला तो मैं अभी आया था कि मम्मी को चलो गाड़ी से लेने चला जाऊँगा, NIT आया था तो MRI वगैरह हुआ मम्मी का, तो पापा का फ़ोन था जो उन्होंने जमा करवा दिया था वहीं पे। तो अब मैं आया तो पूरा ढूंढते हुए आया मैं उस जगह को, मुझे पता नहीं था एग्जैक्ट है कहाँ पे, तो पूछते पूछते आ गया लेकिन अभी पता चला है कि वो घर वाले तो चले गए हैं। तो अभी घर की तरफ ही पहुँच गए मतलब मम्मी पापा दोनों। तो यार बहुत ही ज़्यादा ना दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा, परेशान हूँ यार बिल्कुल एकदम। फैमिली मेम्बर यार कोई घर में से जब परेशानी में हो ना तो बहुत ही ज़्यादा ना दिमाग ख़राब होता है, बहुत परेशानी होती है। पर यार मम्मी इतनी अच्छी भली थी, पता नहीं क्या हुआ उनको एकदम से वो चक्कर आने चालू हो गए, वो चक्कर ही नहीं जा रहे। अभी इधर MRI करवाया, अब उसमें पता चलेगी कि क्या दिक्कत है, अभी घर जाके पूछते हैं अगर अभी रिजल्ट आ गया होगा उसका। प्रे करो यार मम्मी के लिए वो ठीक हो जाएंगे। मेरा तो पहले ही दिमाग ख़राब हो गया, जैसे ही सुनी थी मन नहीं कर रहा था यार कुछ भी करने का। पर अभी उनकी आवाज़ से लग रहा है मम्मी ने ही फ़ोन उठाया था, बोला था कि मैं आ गए हैं हम यहाँ पे रास्ते में ही तो आ जा। तो उनकी आवाज़ से तो थोड़ी तसल्ली सी मिली है कि थोड़ी वो ठीक लग रही है आवाज़ से, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा लग रहा है। अब घर जाके पता पड़ेगा, घर जाके देखते हैं कैसे उम्मीद करते हैं। बहुत ज़्यादा यार दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे नीलम का ये है फ्लाईओवर NIT फरीदाबाद, तो यहीं पे हूँ। और इसका यार हॉर्न नहीं चल रहा, बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा हॉर्न, जैसे तैसे करके इसे लेके आया हूँ। तो अभी बस पहुँचता हूँ घर, 10-15 मिनट लगेंगे मुझे। मैं जल्दी जल्दी में भी आए थे, एक दो बार थे दचकी में टच हो गई थी, घट 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 की साउंड आई इसमें, एकदम लग गई थी गड्ढे, पानी भर जाता है ना बारिश में, तो पूरे रोड ख़राब हो रखा था जिधर से मैं आया था, तो उसकी वजह से फिर ये कई बार तो टच हो गई गड्ढे में। वही था अभी घर वाले वही फ़ोन करके कहती बहन के मम्मी पापा आ गए हैं आज घर पे, तो बस जा रहा हूँ मैं भी यार। एक तो ये रोड ख़राब हो रखी है यार, कभी किसी के फैमिली के साथ दर्शन आऊँ यार ऐसे, तो कोई हॉस्पिटल वाली तो कोई भी भाई बीमारी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि ये बीमारी यार बहुत तोड़ के रख देती है इंसान को ना। और तब से भाई तब से मम्मी ये तबीयत ख़राब हुई है, 1.5 महीना हो गया तकरीबन, मतलब ठीक हो जाती है फिर से वो शुरू हो जाता है कुछ दिन बाद, समझ में आ नहीं रहा यार क्या हो गया। और आपको मैं बता दूँ कि मम्मी ने ना कुछ टाइम पहले, मामा जी रहते थे यहीं पे, मामा जी आए थे तो हमारे यहाँ पीर बाबा आया है, तो पीर बाबा पे ना एक कोई, अब मुझे पता नहीं मैं विश्वास भी नहीं करता इन चीज़ों पे, तो वहाँ पे कोई रसगुल्ले का एक डब्बा रख के चला गया था पूरा, ठीक है, तो डब्बा रख के चला गया था। हुआ ये वहाँ से वो मामा जी है ना वो उठा के ले आए, बहुत से लोगों ने खाया था, मैंने भी खाया था उसमें जो रसगुल्ला था, मुझे नहीं पता था कहाँ से आया कहाँ से नहीं, मैंने भी खाया था तो मम्मी ने भी खाए थे। तो पता नहीं तब से उसी के बाद से मम्मी की तबीयत ख़राब होना चालू हो गई थी, एक दो दिन बाद ही मम्मी की तबीयत ख़राब, मतलब ये जो चक्कर वाली प्रॉब्लम थी ये शुरू हो गई। अब वैसे विश्वास तो मैं भी नहीं करता बिल्कुल भी, और कहते ना कि एक मतलब कि दिखा ले किसी को, या सियाने कहते हैं मतलब किसी को ऐसे दिखा लो कि कोई अगर किसी ने टोटका वगैरह कर रखो तो पता चल जाएगा। तो फिर हमने एज अ टेस्ट करने के लिए एक दो से भी ट्राई करा, एक दो लोगों को ट्राई करा जो कि बता सके कि क्या हुई है क्या नहीं, तो भाई दोनों के ही अलग, कोई कह रहा है आपको लड्डू में रख के कुछ खवा दिया, कोई कह रहा है कुछ आपके पड़ोसियों ने करवा दिया, ठीक है सुनो तो सही, पड़ोसी ने करवा दिया। और फिर उससे पूछा कि भाई पड़ोसी तो ऐसे हो ही नहीं सकते,
उससे पहले पड़ोसियों से कह रहे आपकी फैमिली मेंबर ने किसी ने करवा दिया, तो यार ये अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें, तो मुझे उन चीज़ों पे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी, और मम्मी को भी नहीं है। मम्मी भी कहती है मुझे इन चीज़ों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये जो बीमारी है ये डॉक्टर वाली बीमारी है। हमने यार आज तक किसी का बुरा नहीं करा, किसी का बुरा भी नहीं चाहा हमने आज तक, पहले वो किसी का बुरा करते हैं फिर बुरा भी सोचते नहीं है हम किसी का यार। तो बस रास्ते में हूँ और परेशान हूँ यार, आपको ये शेयर कर रहा हूँ बातें अपनी। व्लॉग तो मैं कर ही नहीं रहा आजकल, क्योंकि मम्मी की तबीयत ही ठीक रहती है कभी नहीं रहती है, और कल मम्मी ठीक थी प्रॉपर एकदम बिल्कुल ठीक थी। मम्मी आपको दिखा दूँ, देखो रास्ते में आ गया, मम्मी बिल्कुल एकदम ठीक थी प्रॉपर। हम काम करवा रहे थे, संडे वाला व्लॉग जो देखा होगा आपने, इससे पिछला व्लॉग देखा होगा, तो मम्मी काम मतलब उधर हम काम वाम कर रहे थे तो मम्मी उधर आई थी पीछे, तो सही चल रहा था बिल्कुल एकदम। और आज दोपहर में ही ये हो गया था उनके साथ में, फिर से वो सेम इशू सेम दिक्कत भाई। तो यार समझ नहीं आता भाई क्या करें, और ऐसे उसमें यार गाइडेंस गलत मिल जाए ना तो लाइफ भी ख़राब हो जाती है। अब जहाँ से ले रहे हैं वो दिमाग का ही डॉक्टर है, माइंड का डॉक्टर है, तो अब देखेंगे क्या वो बताता है क्या है भाई। ऊपर वाले कुछ नहीं निकले, बिल्कुल सब नॉर्मल हो, पहले बता रहे थे सर्वाइकल है, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, मेरी मम्मी ठीक हो जाए बिल्कुल ऊपर वाले। हम तो बुरा भी नहीं चाहते किसी का, हमारे साथ जो ऐसे हो रहा है। तो वहाँ से आ गया, अभी मैं घर आ गया हूँ, और अभी देखते हैं मम्मी की तबीयत कैसी है। बस गाड़ी खड़ी करके आ गया मैं, और ऑफिस से जैसे ही आया था डायरेक्ट वैसे ही आ गया मैं वहाँ पे। तो साथ करंट है ना, तो तुम्हारे पास आया हूँ। और ये बटन का जरूरी है।